भाई ठंड तो नहीं है यहाँ पर, पाला तो पूरा ही गिर रहा है। देख लो पूरी सीट गीली है, मीटर भी गीला है। 6:44, कल जो सोचे थे 25 तारीख को कि बहुत कुछ एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ शूट करेंगे, एंजॉय थोड़ा बहुत तो कर लिए थे, पर दिमाग ख़राब हो गया कल यार। तो कल कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया, पूरा दिन बर्बाद हो गया। पिक्चर की स्क्रीनिंग में जाना है जाना है, लास्ट में दिक्कत हो गई वहाँ और बस स्क्रीनिंग ही देख पाए, बाकी जो प्रोग्राम था वो शूट भी नहीं कर पाए हम। चलो कल का छोड़ो, आज का एंजॉय करते हैं। डेट है 26, अभी इधर चल रहे हैं पणजी की साइड, 3-4 किलोमीटर पणजी में, और उसके बाद साउथ गोवा लगभग 17-18 किलोमीटर, उसके बाद शायद 30-40 किलोमीटर का रन उधर से आगे से, तो टोटली 70 किलोमीटर का रन होने वाला है यहाँ से नॉर्थ गोवा की साइड से। और अभी चल रहे हैं दूध सागर, ब्रेकफास्ट अभी कुछ नहीं है, चाय वगैरह कुछ नहीं है, तो आगे कहीं रास्ते में रोके देखेंगे। ठंड तो नहीं है यहाँ पे यार, पर पाला भाई साहब ये देखो, शीशे पे भी पाला ऐसे जमा हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है। तेल फुल है कल का, तेल की टेंशन नहीं, आते हुए देखेंगे क्योंकि लगने वाला तो है लगभग 150-200 किलोमीटर चलने वाला है स्कूटर आज। कल का औसत निकलेगा स्कूटर का, जो रेंट दिया ना हमने उसका आज निकलेगा। चलो चलते हैं भैया सीधे। एक बार तो इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि भाई साहब चार्ज इतना बता दिए हम यूट्यूब में सर्च किए, तो चार्ज बता दिए कितना 2000 पर पर्सन। तो हमने कहा यार उससे अच्छा तो वाटर एक्टिविटी कर लें 2000-2500 रुपये में, स्कूबा डाइविंग वगैरह सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 2000 वहाँ क्यों फूक के आएंगे, क्योंकि बजट ट्रिप है यार, तो बजट ट्रिप में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बाकी तो अगर पैसा पूछा खर्च करने का होता तो भाई ऐसे ही कर लेते अपने इधर कर लेते, बट इधर आए हुए तो थोड़ा सा बजट ट्रिप का सोच रहे थे। रूम भी वैसे ही मतलब मिला तो अच्छा है, बट बजट ट्रिप के हिसाब से नहीं हो पाया। तो चलो जो भी है, खर्चा पर्चा तो खर्चा तो लग ही रहा है, पर ये है कि सुकून है। वो डोर मैट्रिक की तरह नहीं कि 500 रुपये पैसे भी दो और प्राइवेसी भी ना रहे, यहाँ पे ये है कि 500 रुपये तो जा रहे हैं पर डे, पर ये है दो आदमियों का 1000 रुपये, बट ये है कि प्राइवेसी है। अभी यार टाइम देखो कितना कम हो रहा, मतलब 6-7 बजने को ऑलमोस्ट आया, 6:51 हो रहा है और ट्रैफिक देखो कितना चलने लगा अभी से। तो ये है शहरों की लाइफ। और दूसरा क्या है कि जो आसमान है ना, वेदर क्लियर तो है ही शायद, लेकिन ये पॉल्यूशन है जो हटता नहीं है, ये पूरा जो ब्लैक सा नज़र आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ विजिबिलिटी है नहीं यहाँ पे भी, कम है। मतलब सनराइज़ हो रहा है, रेड कलर का नज़र आ रहा है सामने से, अभी सनराइज़ देखने को मिला। मुझे तो लगा था कि सनराइज़ बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएगा सूरज, तब जाके दिखेगा सनराइज़, बट दिखेगा अभी पुल से दिखेगा शायद। तो फिर से उसी फ्लाईओवर में आ गया, ऊपर अलाउ नहीं है टू व्हीलर, तो फिर से वही अपना नीचे से चलेंगे, नीचे साइड ट्रक वगैरह अलाउ नहीं है। ये सही है, टू व्हीलर वाले नीचे तो ट्रक वाले ऊपर। स्कूटर के यार सॉकर बड़े बजा रखे हैं लॉन्डो ने। तो यार कल तक ना हम लोग उस साइड से जा रहे थे, कौन सा अपना राइट हैंड साइड से भी पुल जा रहा है और इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो अभी हो रहा है सनराइज़ हो रहा है, देखो कैसे दिख रहा है, तो ये दिख रहा है सनराइज़ सामने। अभी देखते हैं पुल पे, थोड़ा सा रोकते हैं गाड़ी, और बाकी बिल्कुल धुंध लगी हुई है। ये है कुछ सुबह के नज़ारे, पंजिम से इस साइड पंजिम रह गया, ये पूरा पंजिम, ये कसिनो किसी एरिया में कल स्क्रीनिंग हुआ था पिक्चर का, और इधर ये चला गया नॉर्थ गोवा, और इधर चला गया ये साउथ गोवा पंजिम होते हुए, तो हमें इधर ही चलना है। तो ये अभी पंजिम में चल रहे हैं, और अब वास्को की तरफ मडगांव की तरफ चल रहे हैं, मतलब साउथ गोवा की साइड, लगभग 20-25 किलोमीटर लमसम है। तो ये बसें हैं जो दूध सागर लेके जाती हैं, और 2000 रुपये पर पर्सन इसमें चार्जेज है। और इसमें क्या फैसिलिटी है कि आपको डिनर करवाया जाएगा, और एक ओल्ड गोवा चर्च है वहाँ घुमाया जाएगा, और एक चीज़ और है इसमें, आपको टिकट करने की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ पे 550 रुपये लमसम लगता है टिकट फॉरेस्ट विभाग का, तो वो करने का ज़रूरत नहीं है, अपना जो लाइफ जैकेट लेने का ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ अरेंजमेंट इन लोगों का होता है बस वालों का, और ये बेनिफिट है। बाकी अपने स्कूटर में तो वहाँ पे टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और फिर आगे भी चार्जेज कुछ देना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वही है। चलो ये जा रही हैं बसें, एसी बसेस। ओ भाई सूरज देख रहे हो चंद्रमा की तरह दिखने लगा, बिल्कुल छोटा सा वाइट डॉट, तो पता नहीं पॉल्यूशन है कोहरा है क्या है समझ में नहीं आ रहा,
अभी तो सही चमक रहा था यार थोड़ी देर पहले, देखो फिर से चमकने लगा धीरे धीरे करके। अभी नेविगेशन में क्या हो रहा है कि 70 किलोमीटर शो कर रहा है, चल रहे हैं यार। नेविगेशन भी क्या करता है, बीच बीच में ना रूट चेंज कर देता, तो वो भी चेक करना होता कि यार कहीं घुमा तो नहीं रहा। अभी यहीं घुमा दे रहा था इधर ही वास्को दी गामा में, 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे ही कर देता लंबा। पिक्चर नज़र आने लगे किला नुमा या इनका चर्च जैसे घंटाघर टाइप के पुराने स्ट्रक्चर, तो ऐसे लग रहा है कि ओल्ड गोवा में चल रहा है अभी उस हिसाब से, और ओल्ड गोवा से ही आगे को निकलेंगे। आते हुए देखेंगे ओल्ड गोवा चर्च है ना जो, क्योंकि जाते हुए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टाइम जितना कम लगे हमें जाने उतना फ़ायदा हमको। बलगावी पता नहीं यार, एक तो ओल्ड गोवा इधर से आगे से बता रहा कि लेफ्ट लेना है, तो अभी ओल्ड गोवा नहीं चलेंगे, सीधे चलेंगे अपना आज का डेस्टिनेशन दूध सागर, फ्लाई ओवर पकड़ेंगे ऊपर, शायद ये है ओल्ड गोवा की। मोले मोले 45 फोड़े 15 मंगेसी, पता नहीं भैया बड़े खतरनाक नाम है यार। जब आदमी एक एरिया से अपने मतलब होम टाउन से इधर उधर जाता ना, तो उसको अजीब से नाम लगने लगते हैं दूसरी जगह के। वैसे ही हमारे इधर भी आते होंगे लोग, तो वो भी कहते होंगे यार बड़े अजीब से नाम है। वैसे ही फोड़े, तो यार फोड़े तो बड़ा खतरनाक नाम है यार। जो ये हाईवे जा रहा है ये चल रहा है कर्नाटका की ओर, तो आगे बॉर्डर कर्नाटका का है जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं अभी दूध सागर की ओर। अभी फिर से नाम आया यार, दूध सागर है 47 किलोमीटर, फार्मागुड़ी है 12, महानडोल करके है, मंडोल है महानडोल पता नहीं क्या भैया, 8 किलोमीटर। अब लिखने में भी अजीब सा लिप मोव है, वो अक्षर अजीब से बनाए हुए हैं, तो ज़्यादा थौ पढ़ते हैं लॉ पढ़ते हैं पता नहीं क्या पढ़ते हैं, समझ भी नहीं आ रहा ज़्यादा कुछ। बाकी जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना,